ऑस्कर्स में इस बार जो हुआ उसने एक बार तो वहां मौजूद हर शख्स की सांसें रोक दी। हर कोई सन्न रह गया, ये हुआ क्या, क्यों हुआ। कार्यक्रम के होस्ट क्रिस रॉक की बातों पर ठहाके लगा रहे विल स्मिथ अचानक उठे, क्रिस के पास पहुंचे और ये क्या, एक मुक्का उन्होंने क्रिस के मुंह पर जड़ दिया। ऑस्कर्स के इतिहास में इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई। हर किसी के मन में ये सवाल था कि आखिर विल ने ये क्या कर दिया और क्यों कर दिया। दरअसल क्रिस रॉक स्टेज पर पहुंचे थे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड देने के लिए। इसी बीच उन्होंने विल स्मिथ की पत्नी जेडा पर कमेंट किया। वे बोले कि वो जेडा को जीआई जेन 2 में देखने के लिए बेताब हैं। आपको बता दें जीआई जेन में डेमी मूर का निभाया किरदार गंजा है, लेकिन दुखद ये रहा कि विल की पत्नी जेडा एलोपेशिया नाम की बीमारी की शिकार हैं, जिसके चलते उनके बाल गिर रहे हैं। यानी उनके गंजेपन का कारण एक बीमारी है और ये उनके लिए बेहद परेशान करने वाली बात है। बाकी लोगों को चाहिए एक ह्यूमर लगा हो, लेकिन विल स्मिथ को वो बात तीर की तरह चुभी। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में विल उठे, क्रिस की तरफ लपके और एक घूंसा क्रिस के चेहरे पर दे मारा। हालांकि ये पंच उतना जोरदार या चोट पहुंचाने वाला नहीं था, क्योंकि इसके बाद क्रिस लगातार बोल रहे थे। ये मामले का दी एंड तो हो ही नहीं सकता था। गुस्साए विल स्मिथ अपनी सीट पर जाकर भी चिल्लाने लगे और क्रिस को वार्निंग दी कि आइंदा उनकी पत्नी का नाम क्रिस की जबान पर न आए। क्रिस ने फंक्शन को तो संभाला, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। उसके बाद ऑनलाइन क्रिएटर्स ने क्रिस रॉक के रिएक्शंस को भी क्रिएट करना शुरू कर दिया। उनके साथ मौजूद लोग उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है इसे देखने के बाद हर कोई क्रिस को बुरा आदमी समझ रहा है। मेरे बच्चे मेरा सम्मान नहीं करेंगे। कहाँ है विल? विल, तुम कहाँ हो? अब ये घटना किसी पब्लिसिटी स्टंट का हिस्सा है या पूरी तरह सच, इस पर भी चर्चा चल रही है। पुलिस ने भी क्रिस से इस मामले में पूछताछ की है, लेकिन क्रिस ने विल के खिलाफ किसी भी तरह की रिपोर्ट फाइल करने से साफ इनकार कर दिया है। वैसे ये घटना एक इंस्टेंट रेज के तौर पर भी देखी जा रही है। क्रिस और विल दोनों ही शानदार एक्टर्स हैं, लेकिन ऑस्कर से जुड़ा ये विवाद इतिहास के पन्नों में जरूर दर्ज हो गया। आप भी इस खबर पर अपनी राय दर्ज कीजिएगा कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए आज तक।